कल हमने बताया थे कि हम यार फोन वैली की तरफ निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे तकरीबन करीबी पहुँचने वाले थे, लेकिन लोगों ने कहा कि आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि रोड बंद है, काफ़ी बर्बादी हुई है। तो हमने दोबारा यू टर्न लिए और पुणे की तरफ वापसी की है। हमने अभी भूख लगी थी दोस्तों को, तो कहते हैं कि चलो खाना खाते हैं। अभी हम पहुँच गए नान कैफे, नान कैफे जहाँ पे यहाँ की रिवायती खुराक की देसी खुराक की आपको मिलेंगे। तो हम आएंगे आपको दिखाएंगे नान कैफे। ये मैनेजर नान कैफे का, ये आपको इंट्रोड्यूस करेगा, फिर बताएगा इस होटल के बारे में। ये जो नान कैफे, ये बेसिक जबान में, हमारी जबान में इसको नान जो हमारी जबान में माँ को बोलते हैं, और जो कैफे कैफे जो हमारे किचन को मॉनिटर माँ करता है, इसलिए आप इसका नान नान कैफे रखा हुआ है। बाकी जो ज़्यादातर है हमारे ट्रेडिशनल डिशेज है, वही हम सर्व करते हैं। बाकी जो हमने इसको थोड़ा डेकोरेट किया हुआ है, वो ये भी सारे हमारे जो कदीम ज़माने के चीज़ें हैं ना, वही है कैफे। पे आप देख सकते हैं चंगाल के जो रिवायती आइटम्स हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बहुत अच्छी अंदाज में लग रहे हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन दो सालों के इंट्रोड्यूस हुआ है और ये खाने हैं काफ़ी डिलीशियस है, क्योंकि देसी खुराकें बहुत कम मिलती हैं यहाँ पे। चार किस्म के डिशेज हैं, एक जो चित्राल का जो रिवायती खुराक है, मतलब देसी खुराक है, ये है काबीर, और ये यखनी है, ख़ास किस्म की यखनी बनाते हैं, और ये शोला बोलते हैं इसको, पहले हमने कभी खाया नहीं है इस तरह के डिशेज। अभी टेस्ट करते हैं कि क्या रेट देंगे मैनेजर साहब को हम। भाई कह रहे हैं नुमान भाई की कुछ रिव्यू तो दे दो होटल के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये जो खाना यहाँ पे खाए हमने ना, बहुत सारे होटल अच्छे अच्छे होटल में खाना खाए, लेकिन इस जैसा टेस्ट मैंने कभी नहीं देखा। कल रात को उधर भी खाया था, लेकिन काफ़ी जगहों पे, काफ़ी होटलों पर खाने लेकिन यहाँ की जो टेस्ट ज़बरदस्त, बिल्कुल काबिल बयान भी नहीं है, मैं नहीं कह सकता। मैं किसा बयान करूँ, बस वैसे ही बताया मैंने आपको कि काबिलियत है, माँ के माँ के माँ का हाथ लगाना जो हमें मिल गया, तो बस और क्या कह सकते हैं। ये सारे इंग्रीडियंट देख सकते हैं, खाली पूरी ये देखें भाई, ये हमारे मैनेजर भाई साहब बुक्स रीडिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत मिसिंग एक चीज़ है, हमने छोड़ दिया है बिल्कुल बुक रीडिंग। ये लोग यहाँ पे बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, आप बैठकर आराम से खाने खा सकते हैं, साथ में बुक रीडिंग कर सकते हैं। कुछ नहीं।